हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आ गई मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और टॉपिक आपने देखा ही है कि आपके शिकवा और शिकायतें उन्हें कैसी लगती। आप जो उनसे शिकायतें करते हैं, शिकवा रखते हैं, मीन्स जो भी गिला शिका आप उनको बताते हैं, उन्हें कैसा लगता है। आपकी नाराज़गी एक तरह से कह सकते हैं, आपकी नाराज़गी उन्हें कैसी लगती है। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, रीडिंग सिर्फ एनर्जी रीडिंग है। तो आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट प्लीज प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन को मेरे व्यूवर्स के शिकवा एंड शिकायतें, मेरे व्यूवर्स की नाराज़गी उनके पर्सन को कैसी लगती है, कैसी लगती है मेरे व्यूवर्स की शिकायतें। एस ऑफ सोर्स, कैसी लगती है मेरे व्यूवर्स की शिकायतें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन को मेरे व्यूवर्स की शिकायतें कैसी लगती हैं, मेरे व्यूवर्स की शिकायतें कैसे लगती हैं, कैसी लगती है मेरे व्यूवर्स की शिकायतें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन को मेरे व्यूवर्स की शिकायतें कैसी लगती है, नाराज़गी कैसी जब वो शिकायतें करती हैं या करते हैं, कैसी लगती है उनके पर्सन को। मेजर अलकाना कार्ड आ रहे, ओ माय गॉड। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी शिकवा एंड शिकायतें, आपकी जो नाराज़गी है और उस नाराज़गी में कहीं ना कहीं आप जो उनसे शिकायतें करती हैं या करते हैं, कैसी लगती है। आप या आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कैंसर और पाइसिस की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी शिकवा एंड शिकायतें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कॉन्शियस कर देती है। वो दिल में ज़रूर रखते हैं, जो भी आप शिकायतें करते हैं वो दिल में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रखते हैं। बहुत अकेला तन्हा भी फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी भी इस पर्सन को छोड़ देंगे। उन्हें यही फीलिंग आती है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो कभी भी इन्हें छोड़कर अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इन्हें यही लगता है। आपकी शिकायतें होती हैं, जो आपके शिकवा, जो भी आप इनसे शिकायतें करते हैं या जो भी जब भी आप नाराज़ होकर शिकायतें करते हैं, आपके पर्सन को यही लगता है कि आप इन्हें कभी भी अनएक्सपेक्टेड वे में आप इनका साथ छोड़ देंगे, आप इनका सपोर्ट करना छोड़ देंगे और मूव ऑन हो जाएंगे, इन्हें छोड़ देंगे। उन्हें यही कॉन्शियस वे में, और बहुत ही वो दिल में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि दिल में नहीं रखते हैं, रखते हैं वो, और बहुत ही कॉन्शियस वे में रखते हैं। कॉन्शियस वे का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बातें रह जाती है। जो भी आप शिकायतें इनसे करते हैं, उन्हें ऐसा ही लगता है कि आप जो पर्सन हैं एक लॉन्ग टर्म चलने वाले पार्टनर तो ज़रूर है, लेकिन आप उनका साथ जो है कभी भी छोड़ सकते हैं। बहुत डिफेंसिव भी ये हो जाते हैं आपके पर्सन, उन्हें ऐसा लगता है कि आप को जो चीज़ें सर्व नहीं करेगी, आप जो है उन्हें अपनी लाइफ से कट कर देंगे।
आप उन्हें अपनी लाइफ से सीधा निकाल के फेंक डालेंगे, जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे वो झूठ बोलना हो। आपको सच्चाई पसंद इंसान है आप, और अगर कहीं भी आपको लगा कि यहाँ चीटिंग हो रही है, यहाँ आपको मिसलीड किया जा रहा है, यहाँ आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया जा रहा है, उन्हें ऐसा लगता है जो आप शिकायतें करते हैं, जिस वे में आप बातें करती हैं, जिस वे में भी आप शिकायतें इनसे करती हैं या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना शार्प तलवार हैं, आपकी जो बोली है उनके दिल में सीधा इंटर करती है, और वो जब दिल में इंटर करती है उन्हें यही लगता है कि कभी भी आप इन्हें छोड़ सकते हैं, बहुत कट कर सकते, मीन्स कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कट ऑफ कर सकते हैं, अपने लाइफ से निकाल के बाहर फेंक देंगे आप, उन्हें यही लगता है। आपकी शिकायतें उन्हें कहीं ना कहीं इमोशनल इंबैलेंस की भी साइन देते हैं, यानी कि आप उन्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में इमोशनल इंबैलेंस रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने या आपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट नहीं किया, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया है, और एक दूसरे को ना अंडरस्टैंड करना ही कहीं ना कहीं इनके लिए एक मिस्ट्री के जैसी है, एक हिडन के जैसी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, या फिर ये पर्सन आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अच्छी नहीं है, ये यही सोचने लगते हैं। यानी आप जब इनसे शिकायतें करते हैं उन्हें ऐसा डाउट होता है, उन्हें इमोशनली जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड वाली एनर्जी में चले जाते हैं, यानी इमोशनली डिप्रेस होते हैं ये, और उन्हें इस इमोशनल बॉन्ड पर कहीं ना कहीं डाउट होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने और आपने दोनों मिलके, क्योंकि रिश्ता आप दोनों का है, तो दोनों मिलके कहीं ना कहीं एक दूसरे को सही तरीके से समझा ही नहीं, एक दूसरे पर कभी भरोसा किया ही नहीं, और आपके दिल में क्या है इस पर्सन को सचमुच में नहीं पता होता है। जब आप शिकायतें इनसे करते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि ओ आपके दिल में ये है, आपके दिल में ये है, आप इस बात से नाराज़ हैं, आपके दिल में ये चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो हैं जब भी इनसे शिकवा और शिकायतें करते हैं ओपनली नहीं करते होंगे, फर्स्ट जो है ब्लेम करते होंगे या फिर किसी चीज़ के थ्रू आप इनसे डायरेक्टली बोलते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिस्टीरियस वाइब्स उन्हें फ़ील होती है, अट्रैक्शन आपकी बातों से तो इन्हें ज़रूर फील होता है। जब भी आप इनसे शिकायतें करते हैं इन्हें बहुत अट्रैक्शन, लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन वो आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप सच्चाई पसंद इंसान हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करेगी आप उन्हें छोड़ देंगे, आप क्लियर कट इंसान हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, एक्सपीरियंस इंसान हैं, आप ऐसे झूठे रिश्ते में नहीं रहेंगे ज़्यादा समय तक जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर बना है। और ये पर्सन इसीलिए कॉन्शियस हैं, इसीलिए ये डरते भी हैं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल है, एक कदम आगे बढ़ाने से पहले आपकी तरफ ये चार कदम पीछे चले जाने वाले इंसान हैं, ये ऐसे इंसान हैं, बहुत डरते हैं, आपसे एक बात करने के लिए 100 बार सोचेंगे, और 100 बार में भी वो अपनी एक बात को भी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। ये एक बार अगर आपको दिल दे चुके हैं तो जीवन भर ये निभाने वाले इंसान हैं, भले ही आप कभी भी शांत हो तभी आपको मनाएंगे, लेकिन आपकी बातों को ये गुपचुप 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 सुनते ही रहेंगे, मीन्स इनके दिल में रहेगा वो बातों। कभी कभी आपकी बातें ऐसी भी हो जाती होंगी जो इस पर्सन के लिए असहनीय भी कह सकते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं आपसे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, कि चलो मतलब आपकी आप जो इनसे शिकायतें करते हैं उसका जवाब भी इनके पास होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है इनके पास, और वो फाइट करने के मोड में भी आ जाते हैं, फाइट करना चाहते भी हैं और करते भी होंगे, ये आपसे फाइट करते भी होंगे। जब भी आप इनसे शिकायतें करती हैं, यानी कि पलटवार होता है ना, मतलब आपने एक फेंका उन्होंने 4 फेंका, आपने 2 फेंका उन्होंने 10 फेंका तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो आप दोनों की शिकवा शिकायतें, ब्लेमिंग गेम कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर,
ये पर्सन करना जानते हैं, ये फाइट करना जानते हैं, ये इम्पल्सिव वे में जवाब देना भी जानते हैं, और जवाब देते भी होंगे बहुत ही निगेटिव प्रोस्पेक्टिव में। ऐसा नहीं कि आपके लिए पॉजिटिव, क्योंकि अपने आप को ये डिफेंस करते हैं आपके जो पर्सन हैं। जब भी आप इनसे शिकायतें करते हैं, ये अपने आप को डिफेंस करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप के लिए लड़ते हैं आपसे कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं यहाँ सही था, तुम ऐसी थी, मैं वहाँ था, सही था, मैंने ये कहा था, तुमने ये सुना था, वो बला 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 बला। तो आपकी जो शिकायतें हैं, इन्हें कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन तो ज़रूर है डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत बोल्ड हैं, बातों में भी बोल्ड हैं एंड डिसीजन में भी बोल्ड हैं, एक्शन में भी बोल्ड हैं, हर एक चीज़ में आप बोल्ड हैं, और इतने अट्रैक्शन है आपकी बातों में, इतना अट्रैक्शन होता है, मीन्स आप जिनसे शिकायतें भी करती हैं या करते हैं तो भी इन्हें अट्रैक्शन फील होता है। इस वे में फील होता है कि आप इतने सारे वर्ड कहाँ से चुन लेते हो, इतने भारी भारी सेंटेंसेस कहाँ से चुन लेते हो, इतना दिमाग कहाँ से लगा लेते हो आप कि इन्होंने कहाँ से चोरी की, कहाँ से चीटिंग की, कहाँ से इन्होंने जवाब नहीं दिया आपको, कहाँ पर ये पकड़े गए। कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस से ये बहुत प्रभावित होते हैं, आपके माइंड गेम से ये बहुत प्रभावित होते हैं, और आपका जो गोल है, अगर आपने इस पर्सन पर ध्यान लगा लिया है कि ये पर्सन अभी कहाँ किस समय कहाँ बिजी हैं और किससे बातें कर रहे हैं, क्यों फ़ोन इंगेज आ रहा है, क्यों वो आपको आपके कॉल का रिप्लाई नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत शार्प चलता है कि वो यहाँ पे इंगेज होंगे, ये कर रहे होंगे, उसके साथ होंगे, इसलिए नहीं गए। तो कहीं ना कहीं आप उनकी चोरी जो है बहुत ईजी वे में पकड़ लेते हैं, बहुत इजी वे में उनकी चोरी पकड़ लेती हैं, जिसके वजह से ये पर्सन थोड़े से डरते भी हैं, और जब चोरी इनकी पकड़ी जाती है तो डेफिनेटली वो सॉरी भी कहना चाहते हैं, और सॉरी कहते भी होंगे, माफ़ी भी मांगने आ जाते होंगे ये पर्सन उन्हें। जब भी आप शिकायतें करते होंगे और इनकी गलती पकड़ी गई तो डेफिनेटली वो तुरंत कहते होंगे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दो यार, सॉरी माफ़ कर दो। तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अगर गलती पकड़ी गई, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं और इस पर्सन के माइंड को पढ़ना भी जानते हैं एंड दिल की बातों को भी समझना अच्छे से जानते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग आप हैं। भले ही ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस है, आपके बारे में ये नहीं समझ सकते हैं, आपके बारे में ये पर्सन नहीं जान पाते हैं, इमोशनली डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि इनकी गलतियों इनको भी पता नहीं चलती है कि इन्होंने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है आपके साथ, कहाँ कहाँ इन्होंने गलतियों को दोहराया है आपके साथ, और बार बार इन्होंने गलतियों को दोहराया है, जिसके वजह से आप जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके रिश्ते को ही मतलब आपका जो जवाब होता होगा या आप जो आपकी जो शिकायतें होंगी बहुत ब्लंट होती होंगी, जिसके वजह से ये पर्सन फियरफुल डेफिनेटली रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, डरते हैं वो, और यहाँ तो ऑलरेडी लवर्स है तो माइंड ब्लोइंग। दिल पर तीरें चलती है, दिल पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लॉट्स ऑफ टिगर, आपकी जो शिकायतें हैं इस पर्सन को बहुत सारे टिगर्स देती है, बहुत लॉट्स ऑफ टिगर्स, और उनकी बातें भी उनकी शिकायतें भी आपके लिए टिगर्स के जैसी होगी, क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स नहीं है, यहाँ लवर्स है। लवर्स का मतलब ही हो गया टिगर वार्निंग, और टिगर वार्निंग को हील करना, टिगर वार्निंग को एक्सेप्ट करना, टिगर वार्निंग को अनकंडीशनल प्यार में लाना। यहाँ टू ऑफ कप्स नहीं है कि भाई चलो ठीक है सामने वाला सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ टिगर है कहीं ना कहीं अपने वूंड्स पर आप दोनों एक दूसरे पे ऐसे तीर चलाते हैं, यहाँ तीर भी देख सकते हैं, ऐसा तीर आप दोनों एक बातों से यानी कि अपनी जुबान से जो बातें निकलती हैं, जो तीर चलते हैं और नज़रों में नज़रें गड़ा कर चलती है, यानी एक दूसरे को देखते हुए नज़रों से तीर चलती है, और उस नज़रों से जो तीर चलती है कहीं ना कहीं उस तीर में अट्रैक्शन भी होता है, उस तीर में कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है, और वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहीं ना कहीं टिगर आपके सीधा उस वूंड्स पर वार करते हैं जो आपके लिए टिगर क्रिएट करते हैं। तो आप या आपके पर्सन
कि बातें शिकायतें जो है दोनों के लिए आपके लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड है, म्यूचुअल है भाई, म्यूचुअल प्यार, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ भी जी नहीं सकते, ऐसी कंडीशन है। ना दूरी बर्दाश्त होती है, ना नज़दीक में ही, ना नज़दीक ही बर्दाश्त होता है, क्योंकि बातों या शिकायतों का जो सिलसिला है आप दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो 180 डिग्री पे है। 180 डिग्री का यानी कि एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, और इन दोनों में मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो है ही, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन एंड दोनों अपोजिट अट्रैक्शन, एंड दोनों की जो सोच समझ सब कुछ अपोजिट है, इसीलिए तो अट्रैक्शन है। तो बातें जो होंगी, क्योंकि नॉर्थ पोल पे जो प्लैनेट्स रहेंगे उनका सोच विचार थिंकिंग वूंड्स अलग होंगे, साउथ पोल पे जो प्लैनेट्स होंगे उनके सोच विचार वूंड्स अलग होंगे, और आप दोनों इसी एग्जिस पे एक दूसरे पर जो शिकायतें होती है वही तो ट्रिगर करती है, और वही तो कहीं ना कहीं लवर्स वहीं से जन्म ले लेते हैं। लवर्स ऐसे पैदा नहीं होते, ज़्यादातर 180 डिग्री वाले ही होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाले ही ज़्यादातर लवर्स बन जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें अपोजिट अट्रैक्शन होता है एंड पोलर अट्रैक्शन होता है, एंड डेफिनेटली जो है उनके वूंड्स पर काम करना होता है, इसीलिए ट्रिगर्स मिलते हैं। एंड टू ऑफ कप्स तो मेड फॉर ईच अदर के होते हैं, जहाँ आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है, और ये जो वूंड्स होते हैं, अगर इस वूंड्स पर आपने अच्छे से काम कर लिया, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, एक दूसरे के वूंड्स को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड, हीलिंग की ज़रूरत होती है, और जब हम हील होते हैं, और इसी बीच हमारा सेपरेशन भी होता है जब हमें ट्रिगर मिलती है, और जब हम किसी के साथ रहें, क्योंकि वो वूंड्स हर्ट होते हैं, तो उनकी जो शिकायतें होती है आप पर, जब वो कहते हैं अपनी शिकायतें आपसे कहते हैं, तो आप भी हर्ट होती हैं या होते हैं, एंड ट्रिगर तो ज़रूर आपको भी मिलता है, और आप जो कहते हैं या कहती हैं अपने पर्सन से उन्हें भी दिल पर चलती है तीरें, और उस वूंड्स पर चलती है जहां उन्हें भी हर्ट होता है एंड उन्हें भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो आपको ब्लॉक कर देते होंगे, क्योंकि टिगर को आपने टच किया है, टिगर पे वार चली है, एंड टिगर पे मैं बोल रही हूँ, सॉरी टिगर नहीं, मीन्स उसके उनके वूंड्स पर वार चला है, उनके वूंड्स जो हैं उनको आपने जो अपनी शिकायतें की है डायरेक्टली उनके वूंड्स पर गया है, और वो वूंड्स जो है कहीं ना कहीं उनके ईगो पर आ जाती है, और वो ईगो जो है, जब तक वो ईगो हर्ट जो हो गया, वो ईगो हर्ट हील नहीं होगा, तब तक तो मिलन होने का सवाल नहीं। फिर दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया, दोनों ने एक दूसरे को, और एक दूसरे के ऊपर स्पाई भी करना है, एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखना है, एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखना है कब आएगा, कब सॉरी कहेगा, और फिर मिलन हो गया फिर से टिगर, बस यही, जब तक लवर्स की यही एनर्जी, जब तक आपके सारे वूंड्स हील नहीं होंगे तब तक तो आप मिलेंगे बिछड़ेंगे। यही है, तो आप दोनों की एनर्जी डेफिनेटली एक लवर्स की है, तो बहुत सारे लॉर्ड्स ऑफ ट्रिगर आप देती हैं और लॉर्ड्स ऑफ ट्रिगर वो भी झेलते हैं, और यही है आपका रिश्ता, रिश्ते की सच्चाई, और जो बहुत डार्कनेस वाली सच्चाई आज मैंने बताई है, जो जिस पर आप काम करेंगे तो आपका रिश्ता जो है बहुत अच्छा भी हो जाएगा। अगर किसी बात को लेके ट्रिगर्स होती है आपके पर्सन को या आपको, उनकी शिकायतें जो आप शिकायतें उनसे करते हैं, आप फर्स्ट जो है किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में जब भी लाएं, पहले खुद को हील करें, क्योंकि वो ट्रिगर्स होगा, चाहे वो हो चाहे आप हो, दोनों को हील होने की ज़रूरत है, और दोनों को एक ब्रॉड प्रस्पेक्टिव में रिलेशनशिप को देखना है। ब्रॉड प्रस्पेक्टिव का मतलब यही हो गया कि आपको एक्सेप्टेंस में रहना है, छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ना, नहीं तो कितने सारे मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे जितना लड़ेंगे,
आपकी एनर्जी लॉस होगी। एक्सेप्ट करें जो इंसान जैसा है, क्योंकि हर इंसान को आप बदल नहीं सकते हैं। अपने ऊपर काम कर सकते हैं, दूसरे इंसान पे आप काम नहीं कर सकते हैं। तो जिसे दूसरे का काम आप अपने हाथ में मत लीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, देखिए कि आप कितना इस रिश्ते में सर्वाइव कर सकते हैं और सामने वाला कितना आपका सपोर्ट कर रहा है। अगर नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, आप डिटैच हो जाएं, आप डिटैच हो जाएं, डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, सरेंडर करें। यही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और यही जीवन का नियम भी है। तो इस नियम को फॉलो करेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे और जो आपका जीवन है हमेशा फलता फूलता, मतलब अच्छा कटेगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे ऐसे भी आते हैं जहाँ लॉट्स ऑफ जो है आप अपने पर्सन को बहुत सारी चीज़ें कहते हैं निगेटिव वे में। तो हील होना है तो उन निगेटिविटी से बाहर निकलें, खुद को प्यार करना सीखें। बस लास्ट एंड नॉट अ लिस्ट मैं एक ही मैसेज दूंगी, खुद से प्यार करें, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें, खुद को इम्पोर्टेंस दें, आपको दूसरे की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो गाइज़ यहाँ सब सारी एनर्जी मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। लाइक्स ज़रूर करें प्लीज़, लाइक्स लाइक लाइक्स।